ऑपरेटर की जो बैठक की हुई है उसमें जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का ऐसा आदेश था कि उस पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाए जिससे कि जो घटना दुर्घटनाएं जो हो जाती है अंधेरे में नजर नहीं आता, वाहन खड़े रह जाते हैं, किसी पे पीछे की जो ब्रेक लाइट भी नहीं होती है तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और इससे एक्सीडेंट की काफ़ी संभावना बनी रहती है। तो उस पर चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, बस हो, जो भी वाहन हो, उस पर रिफ्लेक्टिव टेप हर हालत में लगी हुई होना चाहिए। इसके अवेयरनेस के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्टर जितने भी थे, चाहे वो बस वाले हैं, चाहे डंपर वाले हैं, चाहे वो दूसरे जितने भी जो ट्रक चलते हैं सामान्य तौर पर, इन सबकी बैठक लेने के लिए निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में आज जो ट्रैफिक के साहब रंजीत सिंह करवा रहे हैं, उन्होंने सबको यहाँ पर एकत्रित किया था और हम लोग सब यहाँ पर बैठ के कम से कम 25 ट्रांसपोर्टर जो हैं भिंड के, उन सब तो यहाँ पे बातें हुई, कुछ समस्याओं का जिक्र भी हुआ और बाकी ये सबको निर्देश दिए गए हैं कि चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, कुछ भी हो, उस पर एक रिफ्लेक्टिव टेप हर हालत में लगी हुई हो और जिससे कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना ना हो। दूसरी बात, हरेक पे नंबर प्लेट, चाहे वो कुछ भी हो लेकिन नंबर प्लेट को लेकर के अगर ये सारे नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से मोटरकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। जो साइडिंग है, जो गवर्नमेंट के रूल है, उस तरीके से क्या मैडम सर, जो नई गाड़ियां निकाल रही है तो कंपनी ऑटोमेटिक जीपीएस लगा के नंबर प्लेट बना के दे रही है कंपनी, वो वही नंबर प्लेट मांग रही है। तो अच्छा जा रहा है लेकिन अपने पे भी इतना अवेयरनेस होना चाहिए।